नमस्कार, मैं गौरी आप सभी के साथ देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। लेकिन इस बार चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों के नतीजों की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर साथ में चुनाव लड़ा और 46 सीटों पर जीत हासिल की। 80 में से 80 सीटों का दावा करने वाली भाजपा को महज 33 सीटों से संतोष करना पड़ गया। हालांकि यूपी के चुनावी नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि अयोध्या में भाजपा 30,000 वोटों से हार गई। वहीं केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी और मेनका गांधी भी अपनी अपनी लोकसभा सीट हार गई हैं। देखा जाए तो यूपी में इस बार भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा है। 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार भाजपा को 29 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। पार्टी 62 के घटकर 33 सीटों पर आ चुकी है। कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर प्रदेश में बड़ी बढ़त बनाती दिख रही है। साथ ही सपा अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली पार्टी बनकर उभरी। नतीजों में भाजपा को कई झटके लगे, लेकिन अयोध्या का परिणाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा है। अयोध्या के जिस राम मंदिर को भाजपा ने पूरे देश में मुद्दा बनाया था, वहां 10 साल बाद भाजपा के लल्लू सिंह 55,000 वोटों से सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद से हार गए। वहीं भाजपा की हार के कारणों को जानने के लिए हमारे सहयोगी रितेश श्रीवास्तव ने भाजपा की नेता श्वेता सिंह और भाजपा प्रवक्ता शमसी आजाद से खास चर्चा की। आप भी सुनिए, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। यूपी में 80 लोकसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटों पर जीत काबिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसम खाई थी कि वो 80 सीटें अपने पाले में करेगी। आप हमारे पीछे देखिए कि ये राजधानी लखनऊ का विधानसभा बना हुआ है, जहाँ पर सभी दल के विधायक बैठते हैं, और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों से ये रास्ता दिल्ली तक जाता है। लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस तरीके से समीकरण बना, क्या समस्याएं रहीं, किन वजह से अब की बार सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम होती नज़र आई। हमारे पीछे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में कम होती नज़र आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो भारत में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। इस समय हम बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शमसी आज़ाद जी मौजूद हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम सभी सीटों को जीत लेंगे, कहीं ना कहीं सीटों का ग्राफ कम हुआ है, कहाँ कमी रहेगी, क्या कारण रहा? देखिए, कमी कहीं नहीं रहेगी। ये जनता का इस बार थोड़ा सा परिवर्तन का मूड था। कुछ मुद्दे ये थे कि हमने सोचा था कि कम से कम 30 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि काटे जाएंगे, जिसकी शिकायत थी जनता के बीच में। लेकिन उन्हीं चेहरों को दोबारा से रिपीट करने के बाद उन्हीं को जो है हार का मुंह देखना पड़ा। बाकी ओवरऑल जो है निश्चित आप ये रहे कि हम देश में सरकार बना रहे हैं। आप 8 बजे तक का परिणाम आप देखेंगे कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुमत में है और उसकी सरकार बनने जा रही है। सीटें ज़रूर उत्तर प्रदेश में कम है, लेकिन और प्रदेशों में, हमारे चाहे उड़ीसा में ले लें, केरला में ले लें, पश्चिम बंगाल में ले लें, तो यहाँ कहीं ना कहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा, उसका वोट बढ़ा है। तो हम निश्चिंत हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हुई हमसे, उसका हम जो है समीक्षा करेंगे, उसके ऊपर बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और उन कमियों को दूर किया जाएगा। लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड जब सांसदों का मंगाया गया था, संगठन ने रिपोर्ट कार्ड मंगाया था, रिपोर्ट कार्ड में जब जो पुराने सांसद रहे जिनको 2 बार टिकट दिया जा चुका था, उनकी रिपोर्ट कार्ड खराब थी, उसके बावजूद भी टिकट दिया गया, आखिर ये ऐसी स्थिति क्यों बनी देने के लिए जो आज हार का सामना करना पड़ा? नहीं देखिए, दबाव में भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वे कराया था और ये कहा भी था कि कम से कम 20 से 30 सांसदों का टिकट दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष इस तरीके से हमलावर हो गया था कि अगर उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट देती तो आज जो स्थिति हमारी इससे भी ख़राब स्थिति में होती। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उनके ऊपर विश्वास किया, जिस तरीके से मोदी जी पर तीसरी बार जनता ने विश्वास किया था, उसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा और पूरी ताकत के साथ हमने लगाया। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा अगर ले लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा पेपर लीक का जो मामला हुआ था, वो थोड़ा सा जो है विपक्ष के पक्ष में गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। बाकी ओवरऑल सब सही है।
आखिरी चरण चल रहा है, इसमें काउंटिंग एकदम जोर शोर पे है। अब क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपके हिसाब से आखिरी जा रही है, और अगर बात की जाए एनडीए की तो एनडीए कितनी सीट लेकर के जा रही है? यहाँ उत्तर प्रदेश में 45 से 50 सीटें जो है तखत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और एनडीए का 325 का आंकड़ा, 325 से 340 तक का आंकड़ा है जो 8 बजे तक हमारे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की मैं फिर एक बार कहने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कहीं से कोई संशय कोई डाउट नहीं है। भैया हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो सकती है लेकिन एनडीए सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दावेदारी की थी कि वो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को जीत काबिज कर पाएगी, यानी वो 80 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत काबिज करके वो दिल्ली का रास्ता तय करेगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो इस समय जो मतगणना चल रही है, उस मतगणना में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती दिख रही हैं। ऐसे मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं हमारे साथ में श्वेता सिंह जी, उनसे बात करते हैं कि मैम क्या स्थिति बन रही है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही थी कि हम 80 सीट पूरी बना रहे हैं और सीटों का ग्राफ कम हुआ, क्या ऐसी कमी रह गई? देखिए पिछले 10 सालों में लगातार आप सभी देख रहे हैं और देश की जनता भी देख रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, और जितने भी काम हुए हैं जनहित पे हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे हुए हैं, और ये लोगों के सामने है। अब ये तो लोकतंत्र है, जो भी पब्लिक को या लोगों को जनता को जहाँ कमी लगी होगी उन्होंने उस आधार पर वोट किया, और वैसे सरकार एनडीए ही बनाने जा रही है, इसका तो हमारे पास पूरा हमारे पास कंप्लीट मैंडेट है पब्लिक का जिसे बनाने जा रही है, और बहुत सारी चीज़ों पे विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है पोस्ट इलेक्शन उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट है पूरे प्रदेश में कि जो टिकट था उस टिकट बार बार में एक बार दो बार तीन बार कई बार रिपीट किया गया टिकट, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता नाखुश थी अपने प्रत्याशी से, क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए ज़रूर रहा होगा, जिस हिसाब से रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश में खासकर अगर हम बात करें तो बार बार रिपीटिशन से हो सकता है नीचे के लेवल पे पब्लिक में इस चीज़ का रिजेंटमेंट रहा होगा, और लोगों से मुझे लगता है आज के समय में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बाहर निकल के और लोगों से पब्लिक के साथ मिलकर रहने की ज़रूरत है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, उनके दिए किए गए सारे कार्यों पर ही चुनाव लड़ रहे थे, उसी के बारे में हम लोगों नीचे लेवल पे भी चर्चा की है, उसी के बारे में भी कार्य किया है। देखिए आज की बात है, सुगबुगाहट ये हो रही है कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव सभी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आखिर एनडीए और INDIA गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं पाले में दोनों उसका पाला पड़ा जो है भारी हो रहा है, ऐसे में क्या संदेश आएगा? देखिए एनडीए का पड़ा अभी भी भारी है क्योंकि उसके पास क्लियर मैंडेट है, वो आप देख रहे हैं कि समय बहुमत में ही है और सरकार बनाने जा रही है एनडीए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के लिए, और जहां तक आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं तो उन्होंने पूरे चुनाव में लगातार जनता के बीच में झूठ का पुलिंदा लेकर आए, कभी 1 लाख रुपये की बात, कभी आपका शेयर लेने की बात, कभी किसी बारे में, तो जनता अभी उस बात पर गुमराह है। कोई भी चीज़ करना और उसको कहना उसको करना ज़मीन पे दोनों में बहुत फ़र्क है, उनके पास ना अभी प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है। ये आप देखिए कि बीजेपी जो है 543 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी है, 242 सीटों अभी भी उसके पास उनसे बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस के पास हार्डली अभी मेकल से 100 सीट भी नहीं है पूरे देश में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन है भाजपा और कांग्रेस का, और इंडी गठबंधन बहुत सारे गठबंधनों को मिल के बनी हुई है, अभी उनको अभी नेता आने में उनका प्रधानमंत्री आने में बहुत लंबा सफ़र है। तो जैसा अभी देखा कि उत्तर प्रदेश की अगर हम केवल बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी पूर्वांचल की सीटें हैं जिन पूर्वांचल पर हार होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक सुगबुगाहट पैदा हुई है और आलाकमान उस चीज़ को देख भी रहे हैं। बस्ती सीट की बात की जाए और अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हुआ, इतना बड़ा काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके बावजूद भी वहाँ हार का सामना करना पड़ा, ये बड़ी बात है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए अयोध्या को आज अयोध्या बनाने में विश्व में उसका जो उसकी जो जगह है वो क्रिएट करने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ही पूरा हाथ है, उन्हीं के नेतृत्व में आज अयोध्या अयोध्या बनी है। मैं बहुत ज़्यादा ना कह के मुझे वीर सावरकर जी की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मुस्लिम्स, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स, बट आई एम अफ्रेड ऑफ हिंदू अगेंस्ट हिंदुइज़्म। तो अगर हिंदू एकत्रित ही नहीं हुआ तो इसका तो मुझे बहुत दिल से अफसोस है इस बात का, अयोध्या को आज अयोध्या करने का जो राम मंदिर जो हम लोगों का गौरव है वहाँ पे ही हम लोगों को विजय नहीं प्राप्त हुई, इसका मुझे बहुत हृदय से दुख है इस बात का। हमारे साथ अभी बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, लीडर हैं
श्वेता सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में और कहीं ना कहीं जो टिकट के बंटवारे को लेकर के बातें थी उसमें कुछ है, लेकिन उसमें हम समीक्षा की जाएगी, समीक्षा के बाद क्या बातें निकल के आती हैं उसको भी देखा जाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा श्वेता सिंह ने कहा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर सीटें कम हुई तो उसकी समीक्षा भी की जाएगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सोचना है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, कुछ चंद घंटों का ही समय रह गया है, चंद मिनटों का समय रह गया है कि पूरी तरीके से जो इसका रिजल्ट है वो घोषित होने वाला है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए C News भारत।